गाड़ी में अगर कूलेंट कम हो तो क्या करें, इस पे हम चर्चा करेंगे और पूरी विस्तार रूप से बात को समझेंगे और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टॉप ड्राइविंग ब्लॉग में आपका स्वागत है। और आज देखिए मैं कूलेंट का प्रोसेस जो होता है गाड़ी में क्या काम करता है और रेडिएटर के साथ साथ इसमें सारे जो सिस्टम होते हैं कूलिंग को सिस्टम जो है इंजन को कूलिंग देने के जो सहायता करते हैं क्या होता है और किस तरह से इसका प्रोसेस होता है जिससे इंजन को सेफ्टी और माइलेज अच्छा होता है, उसके बारे में आज मैं बात करूंगा और आपको डिटेल में बताऊंगा भी। और ये है दोस्तों, देखिए ये है दोस्तों कूलेंट और ये है रेडिएटर, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। और इसी के साथ में ये फ़ैन है, रेडिएटर फ़ैन, यानी गाड़ी हीट होने पे ऑटोमेटिकली ये चलता है। और इसी के साथ में ये आपको यहाँ से पाइप दिख रही होगी जो इंजन में जा रहा है। देखिए ये हॉज है, रेडिएटर हॉज है। दोस्तों आपने गाड़ी में सर्विस कराई है कुछ समय बाद फिर जो महीने में दो महीने में जैसा कूलेंट जो है कम दिखाई देता है, ठीक है, मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। देखिए इसमें कूलेंट पड़ा है, हल्का सा कम है, तो इसमें क्या है आप सोच रहे हैं कि बराबर रखने के लिए थोड़ा सा पानी डाल लें या फिर डाल देते हैं। अब आप यही गलत कर देते हैं, जो अगर कूलेंट कम होता है तो गाड़ी में जैसे कूलेंट टैंक में कूलेंट ही रहना चाहिए, उसमें डालना चाहिए ना कि पानी। और मैं बताता हूँ कि कूलेंट डालने से गाड़ी में क्या होता है। कूलेंट डालने से गाड़ी में जो है बहुत से फ़ायदे होते हैं, जैसे कूलिंग सिस्टम होता है, यहाँ से देखिए रेडिएटर से होते हुए जो है यहाँ पे आता है और ये हॉज जो है डायरेक्ट इंजन में लगी हुई है, ठीक है। और कूलिंग सिस्टम को जो है लुब्रिकेंट करता है और मतलब यानी इंजन को पूरे चिकनापन करता है, बनाए रखने इसका काम होता है कूलेंट का जो है, ठीक है। और इसी के साथ साथ जैसे कूलिंग सिस्टम वाटर पंप है, यहाँ पे देखिए जो है ये आपको वाटर पंप दिखाई दे रहा है, वाटर पंप जो है रेडिएटर से हॉज कूलिंग सिस्टम, जैसे देखिए वाटर पंप, ये वाटर पंप हो गया और देखिए रेडिएटर है ये, और ये देखिए कूलेंट हॉज है, एक यहाँ से है और दूसरा इसी के साथ में नीचे आपको दूसरी वाली जो है पाइप जो हॉज दिखाई दे रही है ये नीचे दूसरी वाली है। और थर्मोस्टेट वाल्व, अब थर्मोस्टेट वाल्व जो है ये कहाँ पे है ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए थर्मोस्टेट वाल्व है जो कि ये इस तरह से खुलता है और इस तरह से ये चिकनापन दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। गाड़ी में देखिए थर्मोस्टेट वाल्व इसमें था लेकिन टूट गया, इसको लगवाना है, ठीक है, आपकी गाड़ी में होगा, ये मैंने बताने के पर्पस से आपको बताया है कि इस तरह से होगा, ठीक है। और इसमें क्या होता है थर्मोस्टेट वाल्व में यहाँ पे जो लगा रहता है, थर्मोस्टेट वाल्व ये आपको जो दिखाई दे रहा है देखिए इसमें रस्ट जम जाता है, जो है इसमें रस्ट जम जाता है यानी गंदगी से ये बचाता है, रस्ट या गंदगी से इनमें से ये बचाता है, ठीक है। और दूसरी बात और इसी तरह काफ़ी समय तक यह चलता है और यही आप अगर पानी डालते हैं इसमें कूलेंट टैंक में डालते हैं, मैं बात बताता हूँ, रेडिएटर से शुरू होता है, जैसे
यहाँ से रेडिएटर से शुरू होता है, ठीक है, और पानी डालने से कुछ समय बाद या कुछ साल में ये जंग लग जाता है, ठीक है। यहाँ से ये नीचे वाले पाइप में जंग लगता है या फिर ऊपर वाली होस में जंग लग जाता है, ठीक है। और ये जंग जो है ब्लॉकेज का काम या कारण बन जाते हैं, काम करने लग जाता है, और कूलिंग सिस्टम जैसे कंपोनेंट में भी जो है जंग लगने से ख़राब हो जाता है। उसके बाद हीटिंग की परेशानी आती है इंजन में, जो कि पूरा, ठीक है, आपने देखा होगा कि कभी किसी के वाटर पंप ख़राब होता है तो कभी किसी का रेडिएटर लीक हो जाता है, जैसे चाहे यहाँ से हॉज लीक हो जाए या फिर यहाँ वाटर पंप से या फिर लीकेज हो या वाटर पंप ही लीकेज हो या ब्लॉकेज हो या फिर नीचे की आपको होज दिखाई दे रही है जो इंजन से लुब्रिकेंट करते हुए फिर रेडिएटर में जो है जा रहा है, ये भी हो सकता है लीकेज, ठीक है। तो कभी किसी का रेडिएटर जो है लीकेज नीचे से हो जाता है। और जगह आपने देखा होगा जैसे बर्फीली जगह होती है तो वहाँ पे अगर आप पानी डालते हैं तो पानी डालने से जो है ये देखिए रेडिएटर जो है कूलेंट टैंक जो है इनमें अगर पानी डालते हैं तो ये जम जाता है, लेकिन कूलेंट जो है एंटी फ्रीज होता है, कूलेंट में ऑप्टिमल 92 डिग्री के आसपास या 98 डिग्री जो बहुत ही बेटर रखता है, 92 डिग्री से लेके 98 डिग्री तक जो है ये बेटर रखता है, बेटर बनाता है इसको और अच्छा रहता है, जो इंजन में रोल प्ले करता है बिना पानी के कूलेंट। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको कूलेंट से संबंधित सभी जानकारी मैंने बताई है, और आप सभी हमारे चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।